इफ का प्रयोग तीन टेंस में, या तो सिंपल प्रेजेंट, या तो सिंपल पास्ट, या तो पास्ट परफेक्ट। एज सून एज लॉन्ग एज विल एज अनटिल अनलेस का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। पहला है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो क्लू, बेटा क्लू देखो, जहां भी तुम्हें वर्ड मिल जाए नाउ, क्या मिल जाए? नाउ। एट दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंट, जहां भी वर्ड मिल जाए नाउ, प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, उसका प्रयोग कहां करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो द पॉपुलेशन इज वर्ल्ड वेरी फास्ट नाउ, यानी इज राइजिंग। तो पहला का आंसर हो जाएगा इज राइजिंग। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग वेरी फास्ट, मिस्टर। ठीक है, तो पहला का आंसर सी हो गया बच्चे। दूसरे में आ जाइए, कैसे बताए? नहीं, जहां पे नाउ लगा हो, एट दिस टाइम लगा हो, राइट नाउ लगा हो, उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। फिर सुन लो, जहां पे नाउ लगा हो, एट दिस टाइम लगा हो, प्रेजेंट टाइम लगा हो, राइट नाउ लगा हो, उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग वेरी फास्ट नाउ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है अभी। नाउ मतलब अभी, अभी मतलब कॉन्टिन्यू हो रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जहां भी लास्ट आ जाए ध्यान देना, बिना ऑप्शन देखे दिमाग में फिट कर लो ऑप्शन। जहां भी लास्ट आ जाए, पास्ट आ जाए, स्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, जहां भी अगो आ जाए, पास्ट आ जाए, लास्ट आ जाए, स्टरडे आ जाए, टेंस का नाम बताओ? सिंपल पास्ट। अब बोलो चार ऑप्शन में सिंपल पास्ट कहां है? तो डी फॉर डीएसएल मारो आंसर। तो हमने बोला इट डिड नॉट रेन लास्ट वीक, तो ये हैज कट गया, डिड नॉट रेन कट गया, हैज बीन कट गया, विल नॉट रेन कट गया। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थ्री, हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ क्ल्यू होगा जी। क्वेश्चन थ्री में देखिए क्या क्ल्यू दिया गया है। अब देखिए यहां पे दिखा है ही सी वाज ट्राइड, शी वाज ट्राइड, सिंपल पास्ट है कि नहीं है? बिकॉज कंजंक्शन दिया है। तो हमने कहा था कि पहला क्लॉज यदि पास्ट का हो तो अगला क्लॉज भी पास्ट का होगा, तो इज वर्किंग होगा, हैज होगा, ठीक है, अब विल हैव होगा, अब बच गया एक वाज, एक बच गया हैड। तो अब ध्यान दो, तो पहला क्लॉज यदि पास्ट का हो तो आगे पास्ट परफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मार दो आंसर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ तुम कहां पे? चार नंबर पे, चार पे आ जाओ। क्या मामला है? रूबी वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन सी वाज अ चाइल्ड, व्हेन सी वाज अ चाइल्ड, बोलो पास्ट है कि नहीं है? तो इसके पहले भी पास्ट एक नहीं चाहिए, तो पास्ट ये तो हैज नहीं होगा, विल हैव नहीं होगा, डिडंट हैव नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है क्या बात करें वो देखिए। अब सेंटेंस का सेंस पर रूबी वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन सी वाज अ चाइल्ड, जब वह बच्ची थी तो उसके बाल बड़े हुआ करते थे, ऐसा होना चाहिए ना? तो यूज टू हैव सेंस, कभी कभी आपको सेंस भी पकड़ना है, पढ़ना भी है, ध्यान देना। होना चाहिए था हेड, होना चाहिए था हेड, लेकिन सेंटेंस का सेंस कह रहा है कि जब वह बच्ची थी तो बाल लंबा हुआ करता था। जैसे मैं दिल्ली में था तो डीएसएल में पढ़ा करता था। आई यूज टू स्टडी इन द डीएसएल व्हेन आई वाज इन दिल्ली। तुम किसी को बोलेगा कि जब मैं दिल्ली में था तो डीएसएल में पढ़ा करता था, पढ़ा करता था, तो क्या हुआ? काम तो खत्म ही है। तो क्या बोलोगे? आई यूज टू स्टडी इन द डीएसएल व्हेन आई वाज इन दिल्ली। जब वह पटना में था तो शराब पिया करता था, व्हेन ही वाज इन पटना ही यूज टू टेक वाइन, ही यूज टू ड्रिंक, समझ रहे हो ना? तो यूज टू प्रयोग कहां करते हैं? जहां काम हुआ करता था, इस सेंस प्रयोग करते हैं। नंबर नेक्स्ट बात क्या करता है? क्वेश्चन नंबर फाइव छोड़ जाए दो, पढ़ाऊंगा आगे। पांच में आ जाओ, इफ आई, अब देखो इफ के साथ इफ का प्रयोग हमेशा दो टेंस में, या तो प्रेजेंट, या तो सिंपल पास्ट, या तो पास्ट परफेक्ट, याद रहेगा? इफ का प्रयोग तीन टेंस में, या तो सिंपल प्रेजेंट, या तो सिंपल पास्ट, या तो पास्ट परफेक्ट। अब देखते हैं पढ़ के, आई वुड फोन, वुड लगाया नहीं लगाया? वुड का मतलब सिंपल, यहां पे प्रयोग किया है पास्ट का, इसका मतलब हुआ कि इफ के साथ प्रयोग होना चाहिए सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट कहां है? आंसर सी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पढ़ाऊंगा सब आ जाएगा। अभी बस देखो क्या सर बोल रहे हैं, दिमाग में डालते रहो। टेस्ट हर दिन होगा, एवरीडे टेस्ट होगा, जब तक टेंस पर हो टेंस का ही टेस्ट होगा, चाहे जितना टेस्ट देना पड़े, कोई मत लो। ठीक है, वहां तक चलो, नेक्स्ट आ जाओ, कॉमन एरिया में आ जाओ। पहला क्वेश्चन फटाफट देखो, नंबर सिक्स पे आ जाओ फटाफट, क्या होगा? हैविंग फेल्ड टू, अब देखो टू एक ऐसा वर्ड बेटा ध्यान देना,
सारे बच्चे, तू जहां भी आ जाए अपने साथ बोलो क्या लेता है? तो गेट होगा कि गॉट होगा? मिल गया आंसर ही चाप दो। ठीक, अब यहां पे नंबर 7 में आ जाओ, क्या कह रहा है उसने थोड़ा पढ़ो। ठीक है, यहां देखो रहा है अनुज फादर हैज बीन इल, अनुज फादर हैज बीन इल सिंस लास्ट ईयर। बिल्कुल सही लगाया हैज बीन, सिंस का प्रयोग किया है ना, तो बिल्कुल हैज बीन से यहां पे कहीं गलती नहीं है। अगर यहां सिंस नहीं लगाता तो गलती हो जाता। खैर, एंड एंड दिया, अनुज हैज स्पेंड, हैज के बाद वी थ्री लगता नहीं लगता है? तो स्पेंड का वी थ्री क्या होता है? टी लगता है, स्पेंड होता है। यानी वी वन वी टू वी थ्री भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? स्पेंट। तो यहां पे अनुज हैज स्पेंट। क्वेश्चन आज नंबर 8 में आ जाओ, 8 का देखो तो क्या आंसर कहता है। द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसिंग मी टू सम ऑफ हर टीचिंग स्टाफ। देखो और से, अब इंट्रोड्यूसिंग लगाया बेटा, अब यहां पे वहां चीज था इज एम आर, लेकिन यहां सेंटेंस है टीचिंग स्टाफ। यहां पे कह रहा ये रहा है कि परिचय करा रहा है कि परिचय कराया, भाव पकड़ना है कि काम फिनिश होना चाहिए। तो द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस्ड मी, मुझे परिचय कराया जो स्टाफ होते। ठीक है, तो यहां पहुंचे इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। एज सून एज, अब ध्यान देना, 5-7 वर्ड लिखवाया था, फिर से बोल दे रहा हूं। एज सून एज लॉन्ग एज विल एज अनटिल अनलेस का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। तो एज सून एज आई गेटिंग की आई गेट, ठीक है यहां तक? तो एज सून एज आई गेट, यहां तक बात समझ में आया? जल्दी बोलो। कुछ कुछ मान लो 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 1-2 तो समझ में आ ही गया होगा, बस काफी है। बाकी जब टेंस समाप्त होगा फिर पूरा समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, पहला वर्ड है इंट्यूशन। सुनिए, बोलना नहीं पर जल्दी, टाइम नहीं यार। इंट्यूशन मतलब अंतर ज्ञान, सुनना है पहले। देखो यहां से ऐसे करूंगा और सीधा दिमाग में घुस जाएगा तुम्हारा, शांत रहो। पर इंट्यूशन कहते हैं अंतर ज्ञान को जी। अंतर ज्ञान क्या है भाई? आंतरिक ज्ञान, इनलाइटमेंट। अंतर ज्ञान क्या होता है? इनसाइट। इनलाइटमेंट को अंतर ज्ञान कहते हैं। तो इंट्यूशन ट्यूशन, इंट्यूशन ट्यूशन। बचपन में ट्यूशन पढ़ते थे, मास्टर साहब यहां ठोकते थे, फट फट मारते थे और खट खट याद होता था डर से, है कि नहीं? तो इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान मिलता है तो इंट्यूशन होता है ना, तो इंट्यूशन हो रहा है कि वो आएगा अंतर्ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वियंस। कॉन्वियंस तो सबको याद होगा, आवागमन, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, पता होगा सबको। सोलेस मतलब आराम। सोलेस को क्या बोलते हैं? सो ले मतलब सो लो भाई, थोड़ा आराम कर लो। सोलेस मतलब आराम। सोलेस सो लो आराम कर लो। नेक्स्ट बढ़े रेस्ट। अब तुम्हारा एग्जाम आ गया, अब तुम रेस्ट मूड में हो, रेस्ट तो बेचैनी बढ़ेगी ना, तुम्हें नींद नहीं आएगा कि एग्जाम है कल से। तो रेस्ट मतलब बेचैनी, ज्यादा रेस्ट मत करो, बेचैनी छा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट कहते हैं आलोचना करना को। लैम्बेस्ट का को लंबा बस्ता, लैम्बेस्ट लंबा, लैम्बेस्ट लंबा बस्ता। बस्ता बोलते हैं किताब को। बचपन में आजकल देखना बच्चे के स्कूल जाएंगे, बच्चा का साइज इतना है और बैग इतना मोटा है, बच्चा का बैग टांगो तो बच्चा ऐसे हो जाता है, है कि नहीं? तो लैम्बेस्ट लंबा बस्ता है, तो क्या होगा उसका? आलोचना। अगर फेल हो गया तो क्लास 10th पे नजर पूरा गांव का रहता है, पूरा मोहल्ले का नजर रहता है, फलाने का बेटा 10th का एग्जाम दिया है, फेल हो जाए फेल हो गया। और वही तुम चले जाओ कॉलेज में, एक पेज दे कॉलेज पढ़ने जा रहा है, किसी को नहीं पता तुम फेल हुआ, प्रमोट हुआ, क्या मतलब क्या क्या हो गया। तो लैम्बेस्ट मतलब आलोचना। टेंस मतलब तनाव। आपके सारे तनाव दूर हो रहे हैं टेंस पढ़ के, टेंस पढ़ा रहा हूं, तनाव दूर हो रहे हैं। हैसल कहते हैं बाधा को, अवरोध को। हैसल हैसल, हंस लो हंस लो, हंसने से बाधाएं मिट जाती हैं। हैसल मतलब बाधा। पाइन पाइन मतलब पीड़ा, दुख। पाइन को लिखे तो पीने ने, पीने पाइन, पीने पढ़ेंगे पाइन, लेकिन क्या है? पीने। पीने से दुख दर्द कम हो जाते हैं। हाँ, पाइन पीने से सारे कष्ट मिट जाते हैं, तो पीना शुरू मत करना कल से। पाइन पीड़ा दुख कष्ट। नेक्स्ट बढ़े कैश। कैश मतलब गुप्त स्थान, कैश मतलब खजाना। तो कैश मतलब गुप्त स्थान, खजाना। तो बोलो कैश कहाँ रखते हो? खजाने में, गुप्त स्थान पे। नेक्स्ट बढ़े मैलिन।
बदनाम करना, मैलिन बदनाम होना, बदनाम करना मैलिन, नहीं बोलते कि यार मैं लाइन मार के बदनाम हो गया, तो मैलिन मैं लाइन मार के बदनाम हो गया। चलो बोलो मेरे साथ। हाँ अभी बस याद करो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस खाली दिमाग रहो, चलते रहो, जो कहता हूं बस सीखते रहो, अभी दिमाग ही मत लगाओ, जो पहाड़ बस वो पढ़ो खाली, ठीक है। चलो बोलो इंट्यूशन, 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 अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, इंट्यूशन, इनसाइट, अंतर्ज्ञान, कॉन्वेंस, कॉन्वेंस, परिवहन, आवागमन, ट्रांसपोर्ट, कॉन्वेंस, ट्रांसपोर्ट, सोलेस, आराम, सोलेस, विराम, सोलेस, कंफर्ट, सोलेस, रिलीफ, सोलेस, आराम, रेस्टिव, बेचैनी, रेस्टिव, बेचैनी, रेस्टिव, रेस्टिव, बेचैनी, लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट, आलोचना, लैम्बेस्ट, क्रिटिसाइज, लैम्बेस्ट, आलोचना, टेंस, तनाव, टेंस, 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 तनाव, हैशल, बाधा, हैशल, अवरोध, हैशल, बाधा, हैशल, अवरोध, पाइन, पीड़ा, पाइन, दुख, पाइन, पीने से दुख मिटते हैं, कैशे, खजाना, कैशे, गुप्त स्थान, मैलिन, बदनाम करना, मैलिन, 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 बदनाम करना, मैलिन, हानिकारक,